पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। एक मंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है। योगी ने कश्मीर जाकर दिया ऐसा बयान कि पाकिस्तान की बन गई घिग्गी। भीख मंगा पाकिस्तान कहकर योगी ने कश्मीर में मचा दिया हल्ला। बलूचिस्तान में भी मच गया शोर। योगी है तो मुमकिन है। जम्मू कश्मीर में चुनाव का आखिरी चरण बाकी है और उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटी हैं। इसी के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। सीएम योगी स्टार प्रचारक हैं और जहां जाते हैं छा जाते हैं। कुछ ऐसा ही कश्मीर में भी हुआ। योगी पहुंचे तो कश्मीर छोड़िए पाकिस्तान तक हल्ला मच गया, और हल्ला मचे भी क्यों ना, पीओके का जिक्र जो हो गया। वैसे भी भारत ने तैयारी कर ली है पीओके को भारत में मिलाने की, लेकिन सीएम योगी का यह बयान पाकिस्तान को सोने नहीं देगा, क्योंकि योगी ने ऐसे ऐसे कटाक्ष पाकिस्तान पर कर दिए कि वो अब मुंह छिपाता घूमेगा। तो आप भी सुनिए सीएम योगी का यह शानदार बयान और शेयर कीजिए। याद रखना, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर चुनाव के माध्यम से दुनिया के अंदर जो संदेश गया है, जो लोग कभी राहुल गांधी के रूप में, कभी किसी अन्य रूप में जम्मू कश्मीर के बारे में, भारत के बारे में दुनिया के अंदर दुष्प्रचार करते थे, उसका जवाब जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव दे रहा है। भारी संख्या में मतदाताओं का मतदान के लिए उमड़ना, चुनाव के प्रति उनके रुझान को दिखाता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति को, विभाजनकारी राजनीति को तिलांजलि दी है। और वे आज जम्मू कश्मीर के अंदर एक लोकतांत्रिक सरकार चाहते हैं, और लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की सजग प्रहरी के रूप में काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर रहा है, कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिकमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है, वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता, लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। दूसरी तरफ बलूचिस्तान अलग से कह रहा है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री तो मिलती ही नहीं है, हमारी केमिस्ट्री उससे मिलती ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का एक कैंसर है, इस कैंसर से दुनिया को मुक्ति मिलनी ही चाहिए, और उस मुक्ति के लिए हम सब आपके पास आए कहने के लिए। बहन और भाइयों, जब हम आपके पास यहां पर आए हैं, मैं केवल आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं।
मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडे की बात कही है, क्या वह उसका समर्थन करते हैं? क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस ला करके जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करता है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? और क्या जो यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों को, गुजरों को, बकरवालों को, पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा इन्हें समाप्त करने की घोषणा का क्या वह समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्ती सुलेमान और हरि पर्वत को ये मारन के नाम से जाने जाए? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है?